करनाल के कमेटी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका। आपको बता दें कि मटोल पंजाब में अबोहर के भाजपा विधायक अरुण नारंग को निवस्त्र कर उनसे मारपीट करने के विरोध में यह कदम उठाया गया है। इस दौरान पंजाब की कांग्रेस सरकार एवं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका गया। वहीं करनाल में जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से अपील की है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कहा कि पंजाब में इस तरह से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को शर्मसार करते हुए उससे मारपीट करना लोकतंत्र की हत्या है। जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस तरह की घटना लोकतंत्र को शर्मसार करने जैसी घटना है, जिसकी कड़ी शब्दों में निंदा की जाती है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार अगर एक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को सुरक्षा नहीं दे सकती तो उनके राज्य में आम आदमी का क्या हाल होगा। जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से मांग की है कि लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। गौरतलब है कि गत दिवस पंजाब मलोट में अबोहर से भाजपा विधायक अरुण नारंग को निवस्त्र कर मारपीट की गई थी। भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल के प्रतिनिधि संजय भटला, मेयर रेणु बाला गुप्ता, स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र, डिप्टी मेयर राजेश अघी, जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक सुकीजा समेत कई नेता मौजूद रहे। अरुण नारंग जी को निरस्त करने का काम किया है और कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ है, कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। ये हमारे बीजेपी का विधायक को निर्वस्त नहीं किया, ये लोकतंत्र को निर्वस्त करने का काम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया और आज मैंने उनका पुतला फूंका है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज उनको हर जगह एक्सपोज करेगा। जिस प्रकार का ये कुकृत्य कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को शर्म आनी चाहिए। एक चुने हुए विधायक को अगर वो सुरक्षा नहीं दे सकते, एक चुने हुए विधायक की सुरक्षा नहीं हो सकती, एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा नहीं हो सकती, तो पंजाब में आम आदमी का क्या हाल होगा, ये आप सबके सामने मीडियाकर्मियों को देखेंगे। नहीं, हम आपके माध्यम से अपील करना चाहिए, विरोध करने का अधिकार सबको है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। इतनी देर से लोग कांग्रेस के अपना लोक प्रदर्शन करते हैं, हमने कभी इस तरह का कुकृत्य नहीं किया, लेकिन 100 के लगभग सुरक्षाकर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, उनके बीच में अगर उनको निर्वस्त किया जाए तो ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली एक घटना पंजाब के इतिहास में और जुड़ गई है। उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर उनके कपड़े फाड़े और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और जो दुर्व्यवहार किया है उससे कांग्रेस की ओछी मानसिकता दर्शाती है। उन्हीं के उसमें आज हमने यहाँ पर पुतला फूंका है, और जो वहाँ के कैप्टन अमरिंदर हैं, ये उनकी और उनके कार्यकर्ताओं की, उनकी सरकार की घटिया सोच है। और हम निवेदन करते हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से कि पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए। भविष्य में ऐसी घटना ना हो और उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? किसान भी लगातार डटे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई, काफ़ी लंबा समय देखिए। देखिए, हम यही निवेदन करेंगे कि जिसको भी अपनी बात रखें, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। यदि वहाँ वो विधायक जा रहे थे कि अपनी बात को रखने या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो वहाँ के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन्होंने जिस तरीके से आकर उनका के साथ दुर्व्यवहार किया, एक अच्छी सोच नहीं है, ये घटिया मानसिकता है, तो ऐसा किसी भी के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।